तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप एक दिन में ऋषिकेश कैसे और कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले आपको रात की ट्रेन से ही ऋषिकेश पहुंचना होगा एंड रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको 20 रुपये पर हेड के हिसाब से ऑटो मिल जाएगा फॉर द त्रिवेणी घाट। ये आप नज़ारा देख रहे हैं त्रिवेणी घाट का, जो कि बहुत ही पास पड़ता है रेलवे स्टेशन की। फ्रेंड्स, त्रिवेणी घाट आरती के लिए बहुत ही फेमस है। अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय करने के बाद। तो आप किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट से, ढाबा से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं राम झूला की तरफ। आपको 10 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से ऑटो भी मिल जाएगा। ये आप बहुत ही शांत नज़ारा देख पा रहे हैं मॉर्निंग का राम झूला का। एक्चुअल में राम झूला आप बोट के थ्रू भी पार कर सकते हैं गंगा मैया को, और राम झूला की तरफ से भी पार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं बोट के थ्रू उस पार, जो कि ऋषिकेश है। जहाँ पर हम उधर खड़े थे वो तपोवन था। तो ये आ गई हमारी बोट हमारे पास खाली होकर। तो हम बैठ रहे हैं 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। वैसे 10 रुपीज़ भी लगते हैं, ये कोरोना की वजह से थोड़ा ब्लैक में चल रहा है कि 40 रुपीज़ में एक पर्सन जाएगा। तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है, पानी बहुत ही स्वच्छ है। तो फ्रेंड्स, गंगा मैया को पार करने के बाद आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी, खाने पीने की, सामान लेने की, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ भी मिलेंगी जहाँ पर आप रुक सकते हैं। इस टाइम पर आपको, जब आप चलते जाएंगे, तो आपको बहुत सारे रशियन फॉरनर्स लोग दिखते रहेंगे। अब हम पहुंच गए हैं अपनी इंटरेस्टिंग जगह पर, खाने वाली जगह पर, जो कि है चोटी वाला। बहुत फेमस है ऋषिकेश में चोटी वाला। पहले एक चोटी वाला बाबा मिलेगा हमें, देन सेकेंडली हमें फिर चोटी वाला बाबा मिलेगा। वो थोड़े छोटे हाइट के चोटी वाले बाबा हैं। तो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद अब हम चल रहे हैं भूतनाथ टेम्पल की तरफ, जो कि आपको इसी रूट पर ही मिल जाएगा। भूतनाथ टेम्पल एक 13 मंजिली टेम्पल है, ठीक है। वहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं, टू व्हीलर भी आप ले सकते हैं, वहाँ पर रेंटिंग पे भी मिलते हैं, और आप चाहो तो अपने 4 व्हीलर पर भी जा सकते हो। भूतनाथ टेम्पल की आपको हम स्टोरी बता दें कि एक्चुअल में जब शिवजी भोलेनाथ जी की शादी होने वाली थी, तो वो अपने ससुराल जाने से पहले उन्होंने इस जगह पर स्टे किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भूतों की बारात लेकर मैं अपने ससुराल जाऊँ, क्योंकि वो डर जाना था उन्होंने। तो इस वजह से इस टेम्पल का नाम भूतनाथ टेम्पल पड़ा। उसके बाद सेकंड स्टोरी, इसकी बहुत ही खासियत, एक विशेषता है कि यहाँ पर एक, ये एक्चुअल में मणिकूट पर्वत की शाखा है। मणिकूट पर्वत में कौन सा है, जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठाई थी। एक्चुअल में ये उसी पहाड़ की एक शाखा मानी जाती है, मणिकूट पर्वत की। तो हम तो हर फ्लोर पर जाते रहे, दर्शन करते रहे, रील्स बनाते रहे, बहुत इंजॉय किया। इस टाइम अगर आप देख रहे हैं, ये है बर्फ़ का बना हुआ शिवलिंग। तो बर्फ़ के बने शिवलिंग की अपनी मान्यता है, एक सेप्टिक शिवलिंग है ये, और बहुत लाखों साल पुराना ये जमा हुआ बर्फ़ का शिवलिंग है, मान्यता भरपूर है ये। तो आएँ ज़रूर इस शिवलिंग के दर्शन करें और अपनी यात्रा को भी सफल करें। इसके बाद जो हमने आपको स्टोरी बताई है, वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी ली थी, उसकी एक शाखा यहाँ पर भी है। तो आप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे, आपको ऋषिकेश का फुल ऑन नज़ारा दिखता जाएगा। हमने यहाँ पर रील्स बनाई हैं, जैसे कि आपको बताया। आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो कि हमारी रील्स, हमने यहाँ पर कितना इन्जॉय किया। नेक्स्टली अब हम पहुँच चुके हैं बहुत ही यहाँ की एक प्यारी सी जगह, जो मे बी आपको बहुत अच्छी लगेगी, वो है परमार्थ निकेतन। एक घाट है गंगा का, जो आप देख पा रहे हैं परमार्थ। इसके सामने ही रहने के लिए भी एक धर्मशाला है, परमार्थ निकेतन, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो आप आने से पहले उनकी साइट खोल के आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो हमें तो ये नहाने के लिए जगह बहुत अच्छी लगी, गंगा मैया में स्नान करने के लिए। तो हम आपको इस टाइम दिखा रहे हैं नज़ारा परमार्थ निकेतन का। बहुत ही प्यारा है परमार्थ निकेतन। इसमें आपको खाने के लिए अलग से एक भोजनालय मिल जाएगा। बहुत अच्छे ही यहाँ पर आपको बाहर वादियाँ मिलेंगी, भोलेनाथ जी मिलेंगे। तो परमार्थ निकेतन हमें बहुत प्यारा लगा कि हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएँ तो यहाँ पर बुकिंग करवाएँ। नेक्स्टली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है गंगा बीच।
जिसको हम गोवा बीच भी कह पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज उसकी जो सैंड है बिल्कुल ही गोवा की याद दिलाती है कि जैसे गोवा ही हम पहुंच चुके हैं। लेकिन ये उससे थोड़ा अच्छा है। एंड ये जो रिवर राफ्टिंग पॉइंट है, ये सबको ही पता होगा क्योंकि सब आजकल की यूथ बहुत इंटरेस्ट रखती है इन चीज़ों में, रिवर राफ्टिंग में, क्लिफ जंपिंग में। तो ये वो पॉइंट है। मैगी पॉइंट भी है एक्चुअल में यहाँ पर, कि यहाँ पर आइए मैगी खाइए। एंड ये थोड़ा सा शाम होने वाली है, शाम का नज़ारा आप देख रहे हो, और ये देखिए शाम को एंजॉय सनबैक करते लेते हुए हुए। फुल ऑन पत्थर पर लेटे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर भी बहुत मस्ती की, छोटे से छोटे छोटे घर भी बनाए हमने सैंड से लेकर। तो फ्रेंड, जैसे ही आप गोवा बीच सीधा सीधा जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे लक्ष्मण झूला। एंड लक्ष्मण झूला के बिल्कुल ही पास है ये 13 मंजिली माता, 13 मंजिली मंदिर, जहां पर आप जा सकते हैं दर्शन करने। एंड ये लक्ष्मण झूला के नीचे का नज़ारा है कि यहाँ पर बहुत सारे रिवर राफ्टिंग के लिए बोट्स, स्पीड बोट्स एक्सेट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिल सकती हैं। रिवर राफ्टिंग जो है आपको अलग अलग रेंजेस पर मिलेगी, कोई 500 है, कोई आपको ज़्यादा भी लेन देने की कोशिश करेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्टली अब हम चलेंगे लक्ष्मण झूला को पार करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको वहाँ की फेमस गंगा आरती, और रात का भी नज़ारा दिखाएंगे रामपुल का। तो गंगा आरती वहाँ की बहुत ही फेमस है, आप खुद जाइए ऋषिकेश में और वहाँ की आरती देखिए। अब ये नज़ारा शुरू हो चुका है गंगा मैया की आरती का। रोज़ शाम 6 बजे गंगा मैया की आरती होती है, और आरती बहुत ही शानदार, इतना मज़ा आता है आरती सुन के, मानो कि हम वहीं पर ही रुक जाएं। तो गंगा मैया की आरती देखने के बाद ये है राम झूला, रात का नज़ारा है। यहाँ पर आपको मिलेगा कि आप व्हीकल के थ्रू, टू व्हीलर भी हैं जो जा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, खाया पिया, फुल ऑन एंजॉय किया। एंड हम आगे के आगे ये चलते है गए नया जानकी पुल, पुल की तरफ, जो कि जिसका अभी नाम न्यू है बना है। जानकी पुल। जानकी पुल की खासियत क्या है, सेंटर में है लोगों के चलने की जगह, एंड दोनों साइड्स पर टू व्हीलर। ये आप नज़ारा देख रहे हैं राम पुल का। एंड ये जानकी पुल के पास बिल्कुल ये क्राफ्ट बाजार आपको मिलेगा। चलो तो क्राफ्ट हम बाजार आपको में लेकर बहुत चलते हैं। ही सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग करने के लिए भी हैं, खाने पीने की भी है, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ न्यू आइटम्स भी, कुछ ऑल जो हम मेले टाइप में देखते हैं कुछ वैसा भी था। जो सेंटर में तो एक लाइन हम है पार कर आने रहे हैं जाने इस राहों टाइम की पर लाइन, जानकी पुल को। और ये उसके देख लीजिए साइड में सेंटर दो की जो रो लाइन्स है हैं। लोगों के चलने की है, उधर से आने वाले भी यहीं से आते हैं और जाने वाले भी यहीं पर जाते हैं। एंड इस जानकी पुल की खासियत है ये हनुमान जी की तस्वीर, बहुत ही प्यारी तस्वीर है, इसको हम आप दोबारा से दिखाते हैं। एंड ये जो पेंटिंग है बहुत प्यारी है, आप जाएंगे खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि सच में जानकी पुल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ओके देन फ्रेंड्स, बाय बाय। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ऋषिकेश की यात्रा अच्छी लगी। बाय बाय।